हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और शौर्य से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। समंदर का सिकंदर बनने का जिनपिंग के सर पर इस कदर जुनून सवार है कि वो आए दिन अपनी हद भूलकर कुछ ऐसी करने की हिमाकत करता है जिसको लेकर हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। कभी वो अपनी हरकतों से ताइवान की टेंशन बढ़ाता है तो कभी अमेरिका और दूसरे देशों की, लेकिन इस बार चीन ने वो गलती कर दी है जिसे देख हिंदुस्तान किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं करने वाला। दरअसल चीन की पैतरेबाजी और उसके हड़पने की भूख के चलते सीमा साझा करने वाले सभी देश तंग आ चुके हैं। हिंद महासागर में भी चीन अपनी पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा। और अब हाल ही में चीन के एक जासूसी जहाज युआन वांग 6 ने हिंद महासागर में हलचल बढ़ा दी है। चीन ने अपना एक रिसर्च पोत हिंद महासागर क्षेत्र में जासूसी के लिए भेजा है। खुफिया इनपुट के मुताबिक चीन का ये जहाज हिंद महासागर में जरूर है, लेकिन भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर है, जो फिलहाल इंडोनेशिया के पास देखा गया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना का एक अनमैंड एरियल व्हीकल यानी UAV लगातार चीन के इस जहाज पर नजर बनाए हुए है। आशंका जताई जा रही है कि चीन का मकसद भारतीय मिसाइल को ट्रैक करना है जिसकी कुछ समय के बाद लॉन्चिंग होने वाली है। कूटनीतिक लिहाज से हिंद महासागर को भारत का बैकयार्ड कहा जाता है। इस समंदर से भारत का मजबूत राजनीतिक और आर्थिक रिश्ता है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि भारत के विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होता है। हिंद महासागर जिसे भारत का आंगन कहा जाता है, जो चीन को रास नहीं आ रहा। आपको याद होगा जब 2 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में भारत ने एक इंसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया था। उससे कुछ दिन पहले भारत ने इसी इलाके से अपनी परमाणु सबमरीन INS अरिहंत से एक मिसाइल भी दागी थी। इन 2 परीक्षणों के बाद बताया जा रहा था कि भारत 11 से 12 नवंबर के बीच एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला था, लेकिन भारत ने अब बंगाल की खाड़ी में अपनी अग्नि मिसाइल के परीक्षण को टाल दिया है। इसी दौरान चीन भी एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इसी युआन वांग 6 जहाज के जरिए चीन सैटेलाइट की निगरानी भी करेगा, मतलब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तीर से 2 शिकार करने की प्लानिंग है। चीन के इस जासूसी जहाज की ताकत की बात करें तो चीन के युआन वांग 6 का वजन 22,000 टन है। इसमें हाईटेक सर्विलांस उपकरण और सेंसर लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, सैटेलाइट की लॉन्चिंग की निगरानी और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर नजर रखने में सक्षम है। चीन का यह जहाज PLA के रणनीतिक सपोर्ट फोर्स का हिस्सा है। इससे पहले भारत ने एक नोट जारी करके बंगाल की खाड़ी में 10 और 11 नवंबर के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया था। समंदर में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों की मौजूदगी के बाद भारत हिंद महासागर के इस पावर गेम से बाहर नहीं हो सकता। समय की मांग है कि भारत अपने बैकयार्ड में चल रहे सामरिक संबंधों, वॉर ड्रिल, व्यापार की ना सिर्फ जानकारी रखे बल्कि इसमें बढ़ चढ़कर अहम रोल भी निभाए। जिस तरह चालबाज चीन समंदर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, उसको लेकर भारत ही नहीं दुनिया के सभी सुपर पावर देश की नजर उस पर बनी हुई है।